WWE का स्मैकडाउन का एपिसोड काफी ज्यादा जबरदस्त साबित हुआ। रेसलमेनिया 40 के बाद का स्मैकडाउन का पहला शो रहा और कंपनी ने बिल्कुल निराश नहीं किया। शो में बढ़िया मैच और सेगमेंट देखने को मिले। कंपनी ने कुछ शॉक्स और सरप्राइज प्लान किए थे। WWE स्मैकडाउन के एपिसोड में कई जगह पर फैंस प्रभावित नजर आए। कुछ मौके पर सभी को थोड़ा निराशा का सामना करना पड़ा। WWE स्मैकडाउन में द ब्लडलाइन की स्टोरीलाइन में नया मोड़ आया है। WWE रेसलमेनिया 40 के बाद ब्लडलाइन की कहानी किस ओर जाएगी, इस पर सभी का ध्यान था। स्मैकडाउन में रोमन रेंस मौजूद नहीं थे। सोलो सिकावा, जिमी ओसो और पोल एमन का सेगमेंट देखने को मिला। सोलो ने यहाँ जिमी ओसो को धोखा दे दिया और समोन स्टार टामा टोंगा के साथ मिलकर उन पर हमला कर दिया। इसी के साथ जिमी ओसो इस फैक्शन से बाहर हो गए। टामा टोंगा की एंट्री ग्रुप में हो गई। ये स्टोरी लाइन एंगल और किसी ने उम्मीद भी नहीं किया था कि सोलो सिकावा खुद ट्राइबल चीफ का पद लेने की तैयारी में है और वो आने वाले समय में रोमन रेंस के खिलाफ भी जा सकते हैं। अब ब्लडलाइन की स्टोरी लाइन अलग लेवल पर चली गई है।